गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और लाइफ सबकी अच्छी बीत रही होगी। एक्सरसाइज किसी भी तरह से आप लोग कर रहे होंगे। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत टाइम के बाद मैं इस चैनल पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। किन्हीं कारणों के कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था और कुछ मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ वीडियोस आप और बनाएं, तो मैं दोबारा कुछ वीडियोस पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो आज का वीडियो मैं बच्चों की फ़िटनेस को लेकर बना रहा हूँ कि आजकल के दिन बहुत सारे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या यंग जनरेशन है, जो कि मतलब एक्सरसाइज या फिटनेस या गेम्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ को कम है, और पढ़ाई का प्रेशर या पेरेंट्स का प्रेशर या कुछ और रीजन के कारण वो पार्क में या जिम में या स्कूल्स में खेल नहीं पाते हैं, और उन्हीं कारणों के कारण उन बच्चों का जो वेट है ओवरवेट हो जाता है, वो ओबीस हो जाते हैं, और उनका जो नेचुरल मूवमेंट्स हैं रनिंग जंपिंग वॉकिंग, ये इस टाइप के मूवमेंट्स जो कि बहुत हिंडर होते हैं, बहुत इफ़ेक्टेड होते हैं, और बच्चे मतलब पोस्चरल डिफॉर्मिटी की तरफ को भी चले जाते हैं। कि मतलब जो चीज़ें उनको करनी चाहिए चाइल्ड लाइफ के अंदर वो नहीं करते किसी किन्हीं कारणों के कारण, और वो ठीक नहीं है। इन द सेंस कि अगर एक सीधी सी बात मैं कहता हूँ, अगर आप मेंटली फिट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले फिजिकली फिट होना पड़ेगा। तो कुछ करने की चाह होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम कुछ करें अपने शरीर के लिए भी। अगर हम शरीर के लिए खाना जानते हैं तो हम शरीर के लिए एक्सरसाइज भी करना जाने। तो मैं उन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी घर में ही आप करवाएं, जिससे कि वो कम से कम घर में रहकर, जहाँ कि आप उनको अलाउ नहीं कर रहे बाहर जाने के लिए, घर में रहकर भी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे, जिसके कारण कि उनका बॉडी चलता रहे। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मुझे आप कह सकते हैं कि वो डस्टिंग करें, अपने बुक्स को मतलब रीरैक करें, शूज़ को पॉलिश करें, शूज़ को साफ करें, इवन वॉशिंग मशीन, जब कभी आप कपड़े धुलते हैं तो वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालें या निकालें या उसको सुखाएं, या कभी कभी अगर उनको घर में कुछ ऐसा काम देना पड़ेगा जिसमें कि आपको नियर बाय कोई शॉप है कुछ है, आप बच्चों को, अगर वो रोना बच्चा है तो आप बच्चों को बाहर भेजिए कि जाओ बेटा आप ये लेके आओ, जाओ बेटा आप ये लेके आओ। तो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों से कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमें करवानी चाहिए। ये डर हमें ज़रूर रहता है कि आजकल का जो टाइम है वो सेफ टाइम नहीं है बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि हम बच्चों को घर से बाहर भेजने में खतराते हैं। तो कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप घर में ही फिटनेस साइकिल घर में ला सकते हैं, स्किपिंग घर में बच्चे से करवा सकते हैं, घर में ही अगर आपके पास वॉक करने का एरिया है आप उस जगह पर बच्चों को कहते हैं बेटा आप 15-20 मिनट वॉक करो, और साथ में वो स्टडी भी करते रहें, और बैठे बैठे स्टडी ना करें, हाथ में बुक ले लें और बुक ले के वो वॉक करें, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिसाइड्स वो बैठे बैठे कुछ ना करें, इससे अच्छा वो कुछ करके अपने माइंड को रिफ्रेश करें और फिट रहें, ये बहुत ज़रूरी है।